Hello student, I am just going to explain the second part of the Gulliver's travel. In my last video, I had explained the half of the chapter. Now I am going to explain the remainder of the chapter which I had left yesterday. सो स्टूडेंट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. कल मैंने आपको बताया था ना कि गुलाइवर जो है कहाँ पहुँचता है, एक लैंड पे पहुँचता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंसान रहते हैं, यानी कि जो देखने में एकदम राक्षस जैसे दिखते हैं. तो क्या होता है, जब गुलाइवर अपने आप को छिपाने के लिए एक हिल पे चढ़ जाता है, तभी एक वहाँ पे जो है बड़ा सा आदमी जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके घुटने तक सिर्फ झील का पानी आता है, वह जो है क्या करता है, गुलाइवर को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में उठा लेता है और फिर उस पर फूंक मार के उसके फेस को पहचानने की कोशिश करता है. फिर क्या करता है, वह जो है गुलाइवर को नीचे रख देता है और अपने साथ अपने दोस्तों को बुला लेता है. तो सो लव लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी. अब जो लोग थे, यानी कि जो बड़े बड़े आदमी थे जो कि फसलों की कटाई करने के लिए आते हैं, उनको हम किसान भी बोल सकते हैं क्योंकि फसलों की कटाई तो किसान ही करते हैं, यानी कि वो सब. लेकिन जो गुलाइवर था वह एक ऐसी जगह पहुंचा था कि जहां बहुत बड़े बड़े इंसान रहते थे. ये मैटर नहीं करता कि वह जो है किसान है कि क्या है, लेकिन वो राक्षस नहीं है. वह जिस लैंड पे रहता है वहां गया है, वहां पे ढेर सारे बड़े बड़े इंसान रहते हैं. इज़ दैट क्लियर. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. अब जो लोग थे, यानी कि जो गुलाइवर को जब सारे इतने बड़े बड़े जो लोग थे, यानी कि जो इतने बड़े बड़े जो राक्षस टाइप के इंसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे गुलाइवर को नीचे रख दिया और उसके साइड जो है देखने लगे. आई टर्न स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. और मैं जो हूँ आगे और पीछे कर रहा था क्योंकि गुलाइवर जो है बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इस वजह से वह बार बार आगे पीछे कर रहा था. पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स अ फॉरवर्ड्स. अब यानी कि जो बड़े इंसान थे वह क्या थे, फार्मर भी थे, भले वो राक्षस जैसे दिखते थे लेकिन वह जो किसान थे. तो इस वजह से गुलाइवर जो है अपने सिर पे जो टोपी पहना हुआ था वह उस टोपी को उतार के क्या करता है, उन फार्मर से, यानी कि जो बड़े राक्षस जो थे, जो राक्षस वह जो है किसान भी थे, तो वह उसके सामने जो है अपनी टोपी को निकाल के रखता है, यानी कि वह अपनी जान की भीख उन सबों से मांगता है. ओके. आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. मैंने जो है उनसे बहुत सारी भाषाओं में बात करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की. ठीक है. अब गुलाइवर बताता है कि वह अपनी जान को बचाने के लिए, वो जो बड़े से किसान थे जो दैत्य जैसे दिखते थे, मैं उनसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में बात किया. ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन द वैन. और कभी कभी ऐसा होता कि मैं उस बड़े से फार्मर, यानी कि जिसने मुझे अपने उंगली और अंगूठे के बीच में उठाया था, वह अपने कान को मेरे पास लाता, मैं उसके कान में भी बोलता था, लेकिन जो क्या होती थी, सारी चीज़ें बेकार चली जाती थी. बट इन वैन मीन्स होता है व्यर्थ चले जाना, लेकिन सारी चीज़ें बेकार हो जाती थी क्योंकि वह मेरी आवाज़ों को सुन नहीं सकते थे क्योंकि वह सब जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े थे. The farmer took me to his house and placed me at the some distance of the dining table which was the 30 feet high from the floor. अब जो है उसमें से जो फार्मर जो गुलाइवर को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में पकड़ा हुआ था, वह उसे ले जाके एक डाइनिंग टेबल पे बैठा देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लोर से जो है, फ्लोर मीन्स होता है ज़मीन से, 30 फीट ऊँचा था, यानी कि बहुत ही बड़ा सा उस सबों का डाइनिंग टेबल था. उस पर वह बैठा देता है फार्मर गुलाइवर को. ड्रेनर वॉज ब्रॉट फॉर द फॉर्मर इन अ डिस विच वॉज 10 फिट इन अ डाईमीटर. अब जो जिस प्लेट में, यानी कि जिस डिस मीन्स होता है बर्तन में, जिस बर्तन में जो है उस फॉर्मर के लिए खाना लाया गया, वह जो है बर्तन भी उसके जो चौड़ाई थी वह लगभग 10 फिट से, मतलब बहुत ही ज़्यादा चौड़े चौड़े बर्तन में, बहुत ही ज़्यादा बड़े बर्तन में उस फॉर्मर के लिए खाना लाया गया रात का. द फॉर्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. जो फॉर्मर की वाइफ थी, यानी कि जो बड़ा सा राक्षस दिखता था, उसकी जो वाइफ थी, वह जो है गुलाइवर बता रहा है कि उसके लिए वह जो है ब्रेड के छोटे छोटे क्रम्बल्ड मीन्स होता है टुकड़े करना, तो वह जो है वाइफ जो है फॉर्मर की ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सामने रख देती है. इन द मिडल ऑफ डिनर आई हियर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी. और जो है डिनर के बीच में जो है, अब गुलाइवर बताता है कि डिनर के बीच में मैं जो हूँ, एक आवाज़ मेरे पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है. इट वॉज परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स. और यह जो है बिल्ली की आवाज़ थी,
कैट की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, परिंग बोलते हैं ना, तो जो कैट जो है वह उसकी आवाज़ थी जो कि बैल से, ऑक्स मीन्स बैल से 10 गुना बड़ी थी, क्योंकि उस लैंड में जितने भी जानवर थे, इंसान थे, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। तो गुलाइवर बता रहा है कि जब वह उस कैट को देखता है तो वह कैट जो है एक बैल से भी 10 गुना बड़ी थी, बड़ा था, ठीक है। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, जो फार्मर्स की वाइफ थी, यानी कि जो फार्मर जो था, बड़ा सा जो इंसान था, उसकी जो वाइफ थी उस कैट को, कैट के सिर पे हाथ फेर रही थी। देन इंटर द फार्मर्स 1 ईयर ओल्ड सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, तभी जो है फार्मर का 1 साल का एक बेटा रहता है जिसे एक औरत अपनी अपनी गोद में लेके आती है। ऑन सेइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और मुझे देखकर वह जो बच्चा है वह मुझे जो है टेबल से पकड़ लेता है और वह मुझे अपने मेरे सिर को वह अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, और मैं इतना तेज़ी से मैं जब चिल्ला देता हूँ तो वह जो बच्चा है वह मुझे छोड़ देता है, ड्रॉप मीन्स छोड़ देना। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड द ऑर्पन अंडर मी, और जो है मेरी मेरी अवश्य ही गर्दन टूट जाती ले अगर वह उसकी जो बच्चे की जो मां रहती है अगर वह मुझे अपने उस कपड़े में न ले लेती। लेटर शी पुट मी ऑन हर आउन बेड, और कुछ देर बाद वह जो मदर रहती है वह मुझे, अब गुलाइवर बता रहा है कि जब वह बच्चा उसे खाने की कोशिश करता है लेकिन जब वह गुलाइवर चिल्ला देता है तो वह उसे छोड़ देता है, तो उस बच्चे की माँ जो है किसको बचा लेती है, गुलाइवर को बचा लेती है, और फिर वह उसे अपने बेडरूम में ले जाती है, बेड में बैठा देती है। एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, और वह मुझे जो है एक बड़े सफ़ेद रुमाल से ढक देती है, क्योंकि गुलाइवर की जो है साइज़ छोटी रहती है, इस वजह से वह जो है एक रुमाल जो है वह गुलाइवर को उड़ा देती है। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रेन, और गुलाइवर बताता है कि वह जो है सोने लगता है और उसके वह सोते टाइम जो है अपने बीवी बच्चों और अपनी फैमिली के बारे में सपने देखने लगता है, ठीक है। सो ये गुलाइवर की ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी यानी कि जिसमें इंसान अपनी खुद की लाइफ स्टोरी के बारे में लिखता है उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और इसमें गुलाइवर जो है एक ऐसे लैंड पे पहुंच जाता है जहां पे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लोग रहते हैं, यानी कि जो राक्षस की तरह होते हैं, वहाँ पे एनिमल्स भी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे 1 साल का बच्चा भी जो है वह भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये जो है गुलाइवर की स्टोरी थी। सो दिस इज़ द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ गुलाइवर ट्रेवल्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।